जलालाबाद पुलिस की गैर समाजिक तत्वों नूं वड्डी चेतावनी, मोटरसाइकिल ते पटाके मारने, ट्रैक्टरां ते वड्डे स्पीकर लाउणे अते लड़कियां दे स्कूल कालजां दे नज़दीक बिना वजह दे खड़न ते पुलिस की होएगी कार्रवाई। जानकारी देंदे हुए जलालाबाद सब डिवीजन के DSP अतुल सोनी ने दस्सिया है कि असमाजिक तत्वों के खिलाफ़ पुलिस की वड्डी कार्रवाई होन जारी है। इस दे विच बुलेट मोटरसाइकिलों ते पटाके मारने, लड़कियां दे स्कूल कालजां दे नज़दीक बिना वजह तो घूमना तो इलावा ट्रैक्टरां ते वड्डे स्पीकर लाउणे शामिल हन। पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह का कोई सिफारिश नहीं मनी जाएगी, कानून के तहत बनती कार्रवाई की जाएगी। दस दईए कि शहर के लगातार इस तरह घटनावां वध रही, जिस तो बाद पुलिस के वलों यह चेतावनी जारी की गई है। जलालाबाद सब डिवीजन के साढ़े को जिवें 5 थाने ने, 3 चौंकियां ने, तो सारे असी जे पहले तो असं बेनती सारे की जी हल्ला गुले जो लड़के कर रहे हैं मोटरसाइकिल के उपर विदाउट जो नंबर प्लेट चल रहे थे, विदाउट जो हॉर्न चल रहे थे, वे वे हॉर्न ला देंगे दे, पटाके मारते जाते है, या जिन्हों को लाइसेंस वगैरह नहीं है, या जो ड्रग्स का काम कर रहे हैं, वो जिमें हल्ला चली जिम्मे कुड़ियों के कॉलेज के मूहरे स्कूल के मूहरे जाके हल्ला गुला करना है। सारे सख्त तो सख्त जी है चेतावनी असं हूँ दे रहे हैं भी सारे SHOs मीटिंग करके कहता है कि जोड़ा कोई यहोजा बंदा मिलता है वो उपर कानून के तौर के बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे सूँ FIR लॉन्च करनी पवे। असी मियादी भी करा दी हर पासों, जिमें कि ट्रैक्टर के उपर इन्नी जोर जोर की तुम स्पीकर मार रहे हो भी अगे आने जाने वाले बंद कुछ नहीं सुनता है, भावें पिछले हॉर्न मारी जाओ, कोई पिछले एंबूलेंस आती है कोई सुनता नहीं है, वो भी असं इतने मियादी करा दी कि भी हूँ बिल्कुल किसी नूं भी यहोजे बंद नहीं बख्शा जाएगा, ना ही कोई सिफारिश करावे भी यहोजा कोई किया, सख्त तो सख्त जी कानूनी कार्रवाई उस अमल लिया जाएगी जी।